देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग राज्य है। देश में बनने वाले मोबाइल फोन में 55% की हिस्सेदारी अकेले यूपी की है। देश में बनने वाला 60% मोबाइल कंपोनेंट भी उत्तर प्रदेश में ही बनता है। यूपी में निहित संभावनाओं की ही क्षमता है कि सैमसंग दुनिया का पहला मोबाइल डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में लगाया है। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सैमसंग इनोवेशन कैंपस की ओर से आयोजित प्रमाण पत्र वितरण समारोह में कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से 8 छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 और उसके पहले के उत्तर प्रदेश के हालात से आहत दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैमसंग अपनी नोएडा यूनिट को बंद करना चाहती थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सैमसंग के अधिकारियों को बुलाकर बातचीत की और उन्हें भरोसा दिया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। इसका परिणाम हुआ कि 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून ने सैमसंग की ओर से बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन किया। मुझे याद है 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब सैमसंग उससे पहले की स्थिति से बहुत आहत था। ये लगभग अपने कैंपस को बाइंड अप करने की तैयारी कर रहे थे कि हम लोग यहां से अब जाएंगे। और जब मैं आया था तो मैंने उसी समय मार्च 2017 में सैमसंग इंडिया के अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भी आप चिंता मत करिए, अपना कार्य प्रारंभ करिए। और मैंने अपने उस समय के औद्योगिक विकास मंत्री को कहा कि भाई आप जाइए, इनके जितने भी समस्याएं उनका समाधान करिए और अगले एक सप्ताह के अंदर प्रयास होना चाहिए कि सैमसंग अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर ले। और 2018 में मुझे याद है तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रेसिडेंट मून ने सैमसंग इंडिया के इस मोबाइल फोन निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए स्वयं दो राष्ट्राध्यक्ष नोएडा में पहुंचे थे और उन्होंने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, जो आज दुनिया की 55% मोबाइल फोन निर्माण के लिए आज उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारत के 55% मोबाइल फोन बन रहे हैं। 60% से मोबाइल फोन के कंपोनेंट का निर्माण भी, उसका प्रोडक्शन भी यूपी के अंदर हो रहा है और उसमें सैमसंग इंडिया की सबसे बड़ी भूमिका है, बल्कि भारत का पहले डिस्प्ले यूनिट जो आपका मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, ये जितनी बड़ी होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और कोरोना कालखंड में सैमसंग इंडिया, सैमसंग उसे चीन से भारत में और भारत में भी उन्होंने यूपी में अपना वो निवेश किया है, जो अब सफलतापूर्वक अपना प्रोडक्शन प्रारंभ कर चुका है। अभी आपने देखा होगा 12 सितंबर को नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन हुआ था। सेमीकंडक्टर पर भारत की पहली एक ग्लोबल मीट का आयोजन हम लोगों ने वहां पे किया था और जो सफलतम था। याद रखना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक दूसरा रूप है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सेमीकंडक्टर, इसके बगैर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम संचालित नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। और इस फील्ड में भारत के द्वारा जो कार्य अब प्रारंभ हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। याद रखना, 5 नए प्रस्ताव भारत के अंदर आए हैं सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट के, जिसमें से 3 प्रस्ताव यूपी के हैं। और मुझे विश्वास है कि इसमें एक एक इन्वेस्टमेंट में 1,00,000 जॉब है। अभी से आप अपने आप को तैयार कर लेंगे तो नौकरी की कमी नहीं होगी, लेकिन आपकी उम्र ऐसी है, इस उम्र में मेहनत से मत घबराना, परिश्रम की पराकाष्ठा पर जाए। मैं आपसे यही अपील करूंगा, अपना समय वेस्ट मत करिए, गेम में वेस्ट मत करिए, एक भी क्षण वेस्ट मत करिए। वे लुभावने हो सकते हैं
लेकिन आपके जीवन को बहुत अच्छा बनाने की दिशा में उनमें कोई शक्ति नहीं है। अपने आप पे विश्वास करिए, टेक्नोलॉजी से अपने आप मजबूत बनिए। और मैं आपको इस बात को बता देता हूं, दुनिया की आज के दिन पर जो 100 प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, उन 100 प्रतिष्ठित कंपनियों में भारतीय सीईओ हैं, याद रखना, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर पूरी दुनिया को आज प्रभावित किया है। सिलिकॉन वैली में अगर आप जाएंगे तो पूरा भारतीय समाज छाया हुआ है, उसमें यूपी का दबदबा है। एक बार थोड़ा प्रयास तो प्रारंभ करिए आप वहां पर जाने के लिए, लेकिन हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अपने अंदर की हिचक को दूर करना होगा। अभ्यास करिए, निरंतर अभ्यास करिए। गवर्नमेंट भी आपको जॉब देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन रोजगार का अभियान और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर अब तक हम लोग 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। करोड़ों लोगों के लिए नौकरी भी और रोजगार के लिए भी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमने संभावनाएं उपलब्ध करवाई। आज हमारे पास 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं हर एक सेक्टर की, और हर पॉलिसी को हमने इंप्लॉयमेंट के साथ जोड़ा है। हमने अपनी जो औद्योगिक विकास की पॉलिसी बनाई तो उसमें हमने औद्योगिक एवं रोजगार की पॉलिसी नाम उसको दिया। हमने कहा औद्योगिक निवेश होगा, सरकार इंसेंटिव देगी, लेकिन इंसेंटिव के साथ साथ उन्हें रोजगार देने की गारंटी भी हमें देना होगा। किसी भी फील्ड में हमने किया, लगभग 27 हम लोगों ने अब तक पॉलिसीज बनाई है, और किसी भी राज्य में इतनी पॉलिसी नहीं है। एक दो साल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। आज कोई भी इन्वेस्टर यूपी के अंदर जब इन्वेस्टमेंट के लिए आता है तो एक जगह वह आवेदन करता है, हम उसको सिंगल विंडो की व्यवस्था देते हैं, आपको एक जगह आवेदन करना है और एक जगह में बैठ करके डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसे 450 से अधिक एनओसी एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करवाते हैं। देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का निवेश मित्र पोर्टल यूपी संचालित कर रहा है। अगर किसी इन्वेस्टर ने हमारे साथ एमओयू कर लिया है तो एमओयू मॉनिटर भी फिर उसे बार बार नहीं जाना है, एमओयू मॉनिटरिंग की भी हमारे पास एक व्यवस्था है। इसको निवेश सारथी के रूप में हमने आगे बढ़ाया है, और अगर किसी निवेशक ने अपना निवेश कर लिया है तो निवेश के लिए प्रोडक्शन के बाद जब गवर्नमेंट की इंसेंटिव उन्हें मिलनी होती है, बहुत सारे मामलों में हम इंसेंटिव देते हैं, तो इंसेंटिव के लिए भी उसे बार बार नहीं आना है। इंसेंटिव के लिए भी उसने आवेदन किया, ऑनलाइन वह पैसा उसके खाते में अपने आप पहुंच जाएगा, उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं, सब डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में पैसा अपने आप पहुंच जाएगा। ये तीनों प्लेटफॉर्म आज यूपी संचालित कर रहा है।